नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो है फोर लाइफ का केबीयू। केबीयू बेसिकली इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है कि ये हमारी किडनी के फंक्शंस को प्रमोट करता है, साथ ही ब्लैडर और जो यूरेटर्स हैं उनकी हेल्थ को भी मेंटेन करता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बेसिकली केबीयू है क्या। केबीयू हमारा टारगेटेड रेंज से लिया गया एक प्रोडक्ट है और इसके अंदर एड ऑन किया गया है ट्रांसफर फैक्टर। तो ये हमारी इम्यूनिटी पे भी वर्क करता है, साथ ही इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स एड ऑन किए गए हैं जो हमारे किडनी के, ब्लैडर के और यूरिनरी ट्रैक को जो फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करता है। जब हम बात करते हैं किडनीज के बारे में, तो किडनीज बेसिकली बीन के आकार के ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे लोअर बैक में स्थित होते हैं, और इनका काम होता है हमारे शरीर से जितनी भी जो एक्सेस वाटर है या जितना भी वेस्ट है उसको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालना। एक यूरिन के फॉर्म में ये बाहर निकालते हैं। एंड अगेन इनका जो साइज होता है ये हमारे हाथ की मुट्ठी के जितना होता है। यूरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो यूरेटर्स बेसिकली जितना भी वेस्ट किडनी जो है फिल्टर करके अलग करती है, तो ये यूरेटर से होते हुए जो कि एक थिन मसल्स की ट्यूब्स होती हैं वहां से होता हुआ ये ब्लैडर में आ जाता है। और क्योंकि यूरिन यहाँ से पास आउट होता है यूरेटर से, तो जरूरी है कि यूरेटर्स की जो इनर वॉल है वो बेसिकली हेल्दी हो, कीटाणु रहित हो। जब हम बात करते हैं ब्लैडर्स के बारे में, तो ब्लैडर बेसिकली क्या है, ये एक स्ट्रेची प्रॉपर्टीज लिए हुए एक मस्कुलर सैक होता है, एक बैग होता है, और ये पेल्विक में स्थित होता है। इसका कार्य होता है यूरिन को स्टोर करना। तो जैसे जैसे इसमें यूरिन स्टोर होता है वैसे वैसे इसका साइज एक्सपेंड होता जाता है, और जैसे ही यूरिन पास आउट होता है ये वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रेची प्रॉपर्टीज लिए हुए होता है। एंड लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती है, जैसे हम लोग अपना एजिंग की तरफ जाते हैं, तो ये स्ट्रेची प्रॉपर्टीज धीरे धीरे कम होने लगती है। तो समटाइम्स ऐसे लगता है कि ब्लैडर जो है फुली एम्प्टी नहीं हो पाया, तो ये प्रॉपर्टीज को भी जो है वो केबीयू फॉर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर केबीयू बेसिकली यहाँ पर उसको स्ट्रेंथ देता है। फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर केबीयू बेसिकली करता क्या है, ये किडनी के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, साथ ही किडनी के जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसको प्रमोट करता है। एंड अगेन हमारी बॉडी में हेल्दी फ्लूड बैलेंस को बनाए रखता है। ब्लैडर की जो स्ट्रेची प्रॉपर्टीज हैं उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। एंड अगेन क्योंकि इसके अंदर है ट्रांसफर फैक्टर, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। अगेन किसी भी तरह का अगर एक्सेस मिनरल्स है तो ये किडनी में अकमलेट नहीं होने देता उसको, उसको बाहर हमारे शरीर से करता है। एंड साथ ही ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है, यूरिन के पीएच लेवल को भी बढ़ाता है ताकि किडनी पे स्ट्रेस कम हो। तो आइए जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसके अंदर एड ऑन किया गया है फोर लाइफ ट्राइफैक्टर फॉर्मूला। फोर लाइफ ट्राइफैक्टर फॉर्मूला यानी कि अल्ट्रा फैक्टर, ओ फैक्टर और नैनो फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करके चिकन एग्यो और काउ कोलेस्ट्रम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ पेप्टाइड एंड प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसफर फैक्टर। तो ये ट्रांसफर फैक्टर हमारे इम्यून सिस्टम को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, उसकी उसको एजुकेट करते हैं, उसको एनहांस करते हैं, साथ ही उसको बैलेंसिंग भी देते हैं। फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर केबीयू में एड ऑन किया गया है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी में बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट सपोर्ट मिलता है। इसमें प्रोन्थोसिनाइडिन ए जो है वो कंपाउंड है जो कि हमें एक तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है एंड फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये बेसिकली जो यूरेटस की इनर लाइनिंग है उसको बैक्टीरिया रहित करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जैसे ही क्रैनबेरी में भी बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, इन द सेम मैनर ब्लूबेरी एंड ग्रेप सीड जो सीड है उसमें भी पाई जाती है। तो यहाँ पर ब्लूबेरी भी यहाँ पे यूज हुआ है केबीयू में, इसमें भी प्रोन्थोसिनाइडिन नहीं है और अगेन ये हमें एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है। डी मैनोज की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली नेचुरल रूप से उत्पन्न होने वाली शुगर होती है जो कि ब्लीच फूड से उत्पन्न होती है और हमारी ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो विद इन 60 to 90 मिनट्स ये हमारे यूरिन से, हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब ये यूरिन में मूव आउट हो रही होती है तो उस टाइम मूविंग के दौरान जो भी नॉन बेनिफिशियल्स बैक्टीरिया होते हैं ये उनके ऊपर एज ए मैग्नेट काम करती है और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए
ये यूरिन से उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से ये भी यूरेटस की जो इनर लाइनिंग है, उसका जो इनर वॉल है, उसको प्रोटेक्ट करती है। आईपी सिक्स बेसिकली जो फैटिक एसिड्स है, ये बेसिकली मेन स्टोरेज फॉर्म है फास्फोरस का प्लांट्स के अंदर, और ये बेसिकली हाई अमाउंट में पाया जाता है ब्रेड में, नट्स में और सीड में। तो ये किडनी में एक्सेस मिनरल्स जो होता है उसको अकमलेट नहीं होने देते, एंड साथ के साथ जो हेल्दी मिनरल बैलेंस है उसको बनाए रखते हैं। मुमिया मिला की इसका दूसरा नाम जो है वो स्टोन ब्रेकर भी है, तो नाम से ही पता चलता है। एंड खास तौर पे किडनी के फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए ये आयुर्वेदिक का मेडिसिन में इसका प्रयोग भी होता है। ये एक्सेस मिनरल्स के जो जो मिनरल्स है वो बिल्ट अप नहीं होने देता किडनी में, उसको ब्रेक डाउन करता है, एंड साथ के साथ उसको यूरिन के फ्लो के साथ शरीर से बाहर निकाल देता है। जूनिपर बेरी, इसको हम जंगली आंवला भी बोलते हैं, एंड अगेन ये भी यूरिन के फ्लो को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एड ऑन किया गया है। डेंडेलाइन लीफ बेसिकली ये भी, हालांकि ये बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावर है जिसकी कंपैरिजन हम लोग सूरजमुखी फूल से भी करते हैं, सनफ्लावर फ्लावर से, तो ये भी, लेकिन इसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं और ये यूरिन के फ्लो को भी प्रमोट करता है। वरुणा जो बेसिकली जिसको हम गॉड ऑफ वाटर बोलते हैं, तो ये मीडियम साइज के वृक्ष होते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, और इनकी छाल से बेसिकली इनकी छाल में एक ल्यूपल नाम का एक कंपाउंड होता है जिसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है, और ये ब्लैडर की जो स्ट्रेची प्रॉपर्टीज होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए, एंड साथ ही किडनी में जो हेल्दी मिनरल्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली जो विनेगर होता है वो एसिटिक होता है, लेकिन क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर में होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स, तो ये क्या करते हैं, ये उसकी जो एसिटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको एल्कलाइन की तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह से ये यूरिन के पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं, यानी कि एसिड को कम कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे जो किडनीज हैं उनके ऊपर स्ट्रेस कम पड़ता है। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी यूरिन के पीएच लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, इट मींस एल्कलाइन की तरफ ले जाते हैं, और इस तरह से हमारा जो किडनी का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईज डाउन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिड कम हो जाता है यूरिन में, तो इस किडनी के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ये 120 कैप्सूल्स के कंटेनर में आता है, और आप 4 कैप्सूल डेली बेसिस पे इसको लीजिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए 2 मॉर्निंग में और 2 इवनिंग में आप लीजिए। तो ये बेसिकली जो केबीयू है आपके किडनी के फंक्शंस को प्रमोट करता है, ब्लैडर की जो स्ट्रेची प्रॉपर्टीज है उसको मेंटेन करता है, यूरेटर्स की भी इनर लाइनिंग का जो उसको भी बैक्टीरिया रहित करता है, एंड ये ओवरऑल मेन एंड वुमेन्स दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं फॉर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर के भी। तो ये था हमारा आज का सेशन, ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर से आएंगे। धन्यवाद।